नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज शो, ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सेहतमंद होंगे, फिट होंगे और स्वस्थ होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए जानते हैं। कि सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। विरोधियों ने कह दिया है परमाणु बम खत्म करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेता दिया। ये आप देखिए, भारत परमाणु शक्ति है, ये किसी से छिपा नहीं है और ये हम दिखाते रहे। तस्वीर दिखाइए जरा 26 जनवरी की परेड की, ये आप देखिए, ये अग्नि भारत की शक्ति को बता रही है और इसका प्रदर्शन 26 जनवरी को किया गया था, वही तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शक। लेकिन इसे लेकर विरोधियों ने एक ऐलान कर दिया है, हमारी ताकत परमाणु ताकत को खत्म करने की बात की है। ये आपको दिख रहा है, विपक्षी पार्टी अब अपने घोषणा पत्र में इस बात का ऐलान करती है। सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि हम इसे खत्म करने का काम करेंगे, यही है वो कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये लिखा हुआ है। और आप सोचिए, जब इस तरह की बातें लिखी जा रही हैं, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमला बोला है। लेकिन सोचिए, हमने कितनी शक्ति से और कितनी मेहनत से इस तमगे को हासिल किया, लेकिन इसे खत्म करने की बात की जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। अब इंडी अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। मोदी विरोधी अब देश के परमाणु बम खत्म करने की बात कह रहे हैं। इंडी गठबंधन ने वादा कर दिया है कि हम सत्ता में आए तो सभी परमाणु बमों को नष्ट कर देंगे। आपकी इंडी अलायंस के साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? आखिर किसके दबाव में आपका ये गठबंधन हमारे परमाणु ताकत को समाप्त करना चाहता है? सवाल यही है कि मोदी विरोधी परमाणु बम खत्म करके क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या वो भारत को चीन और पाकिस्तान से भी कमजोर कर देना चाहते हैं? उधर मोदी हैं जो दुश्मनों को घर में घुसकर मारने की हुंकार भर रहे हैं। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। तो देखा आपने कैसे विरोधियों ने इसे खत्म करने की बात कही है और इस पर हमला भी बोला जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं, मोदी विरोधी आखिर क्यों इसे खत्म करने की बात कह रहे हैं, क्या वो कहना चाहते हैं? पहले आप देखिए, हमारी ताकत परमाणु शक्ति और इसे विरोधी खत्म करने की बात कह रहे हैं। भारत के पास करीब 164 परमाणु हथियार हैं दर्शकों, 200 परमाणु हथियारों के लिए पर्याप्त प्लूटोनियम भी है। अनुमान है कि भारत 1000 परमाणु बम बना सकता है, सक्षम है इतना। भारत के पास अग्नि 5 जैसी घातक मिसाइल है। अग्नि 5 की मारक क्षमता है 5 किलोमीटर, यानी पाकिस्तान से लेकर पूरा चीन इसकी जद में है। भारत ने कई मुश्किलों के बाद परमाणु संपन्न होने का तमगा हासिल किया है। 1974 की आपको घटना बताता हूं, जब भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, मकसद था घर में बने परमाणु यंत्र में कैसे विस्फोट होता है। यह एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट माना गया था। और उसके बाद 1998 में आपको याद होगा, अटल जी की सरकार थी, पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था और परीक्षण बताने के लिए था दुनिया को कि भारत अब परमाणु हथियारों से लैस है, उसके पास परमाणु बम दागने और फोड़ने की तकनीक मौजूद है। भारत अब एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुका है। अमेरिका को भी भारत के परमाणु विस्फोट की भनक तक नहीं लगी थी।
परमाणु परीक्षण से नाराज। अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे दोस्तों, लेकिन भारत ने अमेरिका के प्रतिबंधों के आगे कुछ भी नहीं कहा, झुका नहीं, भारत अडिग रहा। अब इंडी अलायंस जो दिख रहे हैं आपको, सीताराम येचुरी, इंडी अलायंस परमाणु हथियारों को खत्म करने का वादा कर रहा है। सोचिए जरा, इंडी गठबंधन के सहयोगी दल ने अपने घोषणा पत्र में इसे लिखा है, सभी तरह के परमाणु हथियार खत्म कर देंगे, मानव नरसंहार के हथियार नष्ट कर देंगे, रासायनिक और जैविक हथियार भी खत्म कर देंगे, भारत अमेरिका रक्षा सौदे से बाहर हो जाएगा, भारत क्वाड जैसे संगठन से भी बाहर निकल जाएगा। सोचिए आप, सीपीएम ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया है, अमेरिका को भारत के सैन्य बेस से बाहर निकाल देंगे। जब इस तरह की बातें कही जा रही हैं तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर विरोधी क्यों ऐसी बातें कह रहे हैं, क्यों ऐसे वादे कर रहे हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। अब इंडी अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडी अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। मैं जरा कांग्रेस को पूछना चाहता, आपके ये साथी, आपके इंडी अलायंस के साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? आखिर किसके दबाव में आपका ये गठबंधन हमारे परमाणु ताकत को समाप्त करना चाहता है? एक तरफ मोदी भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में जुटा है, वहीं इंडी गठबंधन वाले भारत को कमजोर देश बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना आपने, और पीएम ने आज आम लोगों से पूछा है, देश की जनता से पूछा है कि आखिर ये खत्म कर देंगे तो क्या होगा। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं, अगर परमाणु हथियार नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ये आप देख रहे हैं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, चीन। भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है दर्शकों, जरूरत पड़ने पर परमाणु बम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। भारत के पास परमाणु बम दागने और बनाने दोनों की ताकत है। दुनिया के 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। अमेरिका और रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। भारत के पड़ोसी पाकिस्तान और चीन, इनके पास भी परमाणु ताकत है। ऐसे में भारत के परमाणु बम उसे बड़ी ताकत देते हैं और ताकतवर बनाते हैं, क्योंकि परमाणु संपन्न देश के बीच छोटा युद्ध हो सकता है। परमाणु शक्ति देशों को बड़े युद्ध से रोकती है, यह एक बड़ी वजह है। परमाणु बम के इस्तेमाल से लाखों लोगों की मौत हो सकती है। परमाणु बम दुनिया के सबसे विध्वंसक हथियार माने जाते हैं, लेकिन परमाणु शक्ति बड़े देशों को युद्ध करने से रोकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंडी अलायंस के इस वादे पर सवाल उठाया है। परमाणु बम को खत्म करने का वादा इंडी अलायंस की नियत बताता है। प्रधानमंत्री ने पूछा कि ये किसके इशारे पर काम कर रहे हैं जो भारत को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है, किसके दबाव में इंडी गठबंधन हमारी ताकत को खत्म करना चाहता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल पूछा है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, प्रधानमंत्री सवाल पूछ रहे हैं लेकिन हमने डिफेंस एक्सपर्ट से पूछा है, रक्षा विशेषज्ञों से बात की है। कर्नल शैलेंद्र इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, ये कितना अहम हो सकता है, सुनिए जरा। इससे बड़ा कोई देश का दुश्मन हो नहीं सकता जो अपने उन स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी असेट्स को डिस्ट्रॉय करने की बात करे। मुझे नहीं मालूम कि सीपीआईएम को क्या पता है क्या नहीं, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि अगर आज इंडिया का रुतबा
दुनिया में है। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है, चाइना के ऊपर खौफ है, तो वो सिर्फ इस बात का है कि ना केवल हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर हथियार हैं, बट उनका इस्तेमाल भी हम रिस्पॉन्सिबली ज़रूर कर सकते हैं। इस वजह से आज आप देख रहे हैं कि एक हम सिक्योर एनवायरनमेंट में हैं, जिससे कि हमारी इकोनमी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम ध्यान दे पाएँ, क्योंकि जब देश के बॉर्डर सिक्योर हों, देश अब दुनिया से सिक्योर हो, तभी कहीं जाकर इंटरनल प्रॉस्पेरिटी आती है। मुझे नहीं लगता, मैंने आज तक कभी ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया कि कोई भी हमारा देश का गद्दार हो सकता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिसने ये कहा है, अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाला है, वो और या तो उस पार्टी को बाकी इंडी अलायंस अलग कर दे, क्योंकि ये एक भारत को तोड़ने वाली नीति रहेगी अगर उन्होंने ऐसा अपनी किताब में लिखा है, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब सियासत में बड़ी चर्चा चल रही है दर्शकों, इन दिनों सावन में मटन और नवरात्र में मछली, लेकिन इसे लेकर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा है। आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, प्रधानमंत्री दौसा पहुंचे राजस्थान के, जहां उन्होंने रोड शो किया। एमएन सुनाइए जरा कैसे स्वागत किया गया प्रधानमंत्री का। तो देखा आपने, इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे बाड़मेर, वहीं से तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जहां प्रधानमंत्री ने अभिवादन किया लोगों का। बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए थे, अलग अलग जगह पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। बाड़मेर के बाद आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं उधमपुर की, आइए जरा उधमपुर की तस्वीर ये देख सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री पारंपरिक साफा पहने हुए थे और यहां पर वो आम जनता के बीच में पहुंचे। लेकिन एक तरफ प्रचार चल रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता, अलग अलग वीडियो उनके वायरल हो रहे हैं, जैसे ये तेजस्वी मछली खाते इनका वीडियो वायरल हुआ, उस पर सवाल खड़े हुए और गंभीर सवाल खड़े हुए, इस पर सियासी सवाल भी उठे, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, एक और वीडियो का जिक्र किया है, दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये पुराना वीडियो है सावन का, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा। तेजस्वी का जो अभी का वीडियो है वो नवरात्रि में था और ये सावन में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर हमला बोला, यानी इस समय सियासत इस मुद्दे पर गर्म हो रही है। रिपोर्ट देखिए। नवरात्र में मछली और सावन में मटन को लेकर घमासान तेज हो गया है। हेलीकॉप्टर में चेचरा मछली खाने के वीडियो पर तेजस्वी बीजेपी के निशाने पर मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। अब पीएम मोदी ने तेजस्वी के साथ ही लालू और राहुल को भी घेर लिया है। मीसा भारती के घर पर राहुल ने लालू से चंपारण मटन की रेसिपी सीखी थी। अब चुनाव से ठीक पहले मोदी ने इसका स्वाद बिगाड़ दिया है। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना अब किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। तो देखा आपने, इस मुद्दे पर सियासत हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हमला बोला है और सवाल पूछा है कि आखिर इस तरह की हरकत क्यों की जा रही है। दिखाता हूं आपको, ये आप देखिए जरा, यही वो वीडियो। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए राहुल गांधी और लालू यादव पर निशाना साधा। ये लोग सावन के महीने में मटन बनाते हैं, इतना ही नहीं इसका वीडियो भी बनाते हैं और इस वीडियो को जारी भी करते हैं। देश का कानून किसी को कुछ भी खाने से रोकता नहीं है और ना ही मोदी किसी के खाने को लेकर रोकता है। सबकी स्वतंत्रता है, वेज खाएं या फिर नॉनवेज खाएं। ये लोग वीडियो जारी कर देश के लोगों को चिढ़ाते हैं। ये लोग सावन के महीनों में वीडियो डालकर मुगल मानसिकता से लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपना वोट बैंक पक्का करना चाहते हैं। जब मुगल का शासन था तो वो आक्रमण करते थे, राजा को हराकर भी संतोष नहीं होता था। इनकी मानसिकता भी उन मुगलों जैसी है। पिछले साल सावन में मीसा ने घर पर बुलाया था और वहां मटन बनाया था, ये तभी का वीडियो है। 2 सितंबर 2023 को राहुल गांधी ने ये वीडियो शेयर किया था
और तब भी इस पर विवाद हुआ था, लेकिन अब एक और विवाद खड़ा हो रहा है। यह आपने देखा सावन का वीडियो, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा तेजस्वी यादव का भी एक वीडियो है जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा। दिखाता हूं आपको, ये आप देखिए, ये तेजस्वी का वीडियो। तेजस्वी के हेलीकॉप्टर पर मछली खाते वीडियो पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला। चैत्र नवरात्र से पहले पहले दिन चैत्र नवरात्र के तेजस्वी ने वीडियो शेयर किया था दर्शकों। नवरात्रि के दिनों में मछली का वीडियो दिखाकर किसको खुश करना चाहते हैं, यह देश की मान्यताओं पर हमला है। तेजस्वी सैनी ने हेलीकॉप्टर में चेचरा मछली खाई थी और तेजस्वी ने इसे सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया था। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी भी उनके साथ में लंच कर रहे थे। चेचरा मछली और रोटी खाने का यह वीडियो वायरल हुआ था। मुकेश सैनी ने कहा था कई लोगों को मिर्ची लगेगी। बाद में तेजस्वी ने वीडियो को लेकर सफाई भी दी। बीजेपी का आईक्यू टेस्ट करने के लिए यह वीडियो बनाया। तेजस्वी ने लिखा वीडियो में 8 अप्रैल की तारीख लिखी हुई थी और इसीलिए तेजस्वी इसके बाद निशाने पर आ गए। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर हमला बोला और कहा कि ये चिढ़ाने का काम करते हैं देश की जनता को। सुनिए जरा। सावन में एक सजाया याफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, अब किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? तो अब मैं आपको बताऊंगा, एक तरफ यह विवाद चल रहा है, दूसरी तरफ एक और विवाद है। यह लालू यादव की बेटी मीसा भारती, इनके बयान को लेकर भी अब ये बैकफुट पर थोड़ा सा चली गई है, क्योंकि इन्होंने पहले कुछ और बयान दिया लेकिन जब उस पर विवाद खड़ा हुआ तो ये अपने बयान से पीछे हट गए। सुनिए जरा क्या हुआ था। जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। देखिए बिल्कुल मैंने कोई गलत बात नहीं कही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बस उसी को मैंने कहा कि जिस तरह से अभी भाजपा सरकार एनडीए गठबंधन जिस तरह से अभी जो लोग के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा के ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से जो जाँच करवा रहे हैं, लोगों को जेल भेजा जा रहा है, तो मैंने सिर्फ एक एक पूरे उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। मैंने जो पूरी बात कही उसको नहीं बताया गया। मैंने सिर्फ प्रश्न चिन्ह उठाया था, मैंने एक प्रश्न उठाया था कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारा असंवैधानिक है, तो मैंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो इसकी भी जांच होगी और जो लोग दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। मैंने गलत क्या कहा? तो देखा आपने, मीसा भारती को तो सुन लिया है आपने, लेकिन इस मसले पर कई बयान सामने आ रहे हैं और मीसा भारती पर भी निशाना साधा जा रहा है, तो कई लोग उनके बचाव में भी उतर आए। दिखाता हूं आपको, ये आप देखिए, मोदी जी 12 साल मुख्यमंत्री रहे, कह रहे हैं जेपी नड्डा 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उन पर एक भी दाग नहीं है। उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बड़ा दयनीय है। लालू प्रसाद यादव का पूरा खानदान भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, अकंठ में डूबा है, कुछ जेल पे हैं, कुछ बेल पे हैं, यह सब कांग्रेस की मेहरबानी से हुआ है। मीसा भारती को उसका गुस्सा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर नहीं उतारना चाहिए। चिराग पासवान, ये कैसी भाषा है? आखिर ये लोग दुनिया में क्या संदेश देना चाहते हैं? ये लोग तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और उसके बाद रामकृपाल यादव बीजेपी के सांसद है, कह रहे हैं वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जेल पहुंचाकर दिखाएं। मेरा चैलेंज है, हमारे एफिडेविट के बाद कोई संपत्ति नहीं है, इन संपत्तियों की जांच कराकर देख लें।
ये कहना है रामकृपाल यादव का, सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब आपको सुनवाता हूँ इस पर क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है। बिहार में अगर मौका मिलेगा उनको तो 5 साल क्या काम करेंगे, रोजगार बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते हैं, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई के बारे में बात नहीं करते हैं, वो केवल इधर उधर की बातें करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है जिससे बिहार के लोगों की तरक्की हो सके। क्योंकि करोड़ों लोगों का पक्का मकान, गारंटी किसकी है? ये लोग आ जाएंगे तो गारंटी, वो पक्का मकान अभी बनना है, करोड़ों लोगों को शौचालय देना है, करोड़ों लोगों का पक्का मकान बन चुका है, अभी बहुत काम करना है। आप तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के वादे पे आए थे 14 में, और तेजस्वी जी ने बिहार में पूरी जमीन बदल दी, नौकरी मतलब तेजस्वी, इस पर आपकी टिप्पणी नहीं सुनता हूँ। करना ही चाहिए उनके अगल बगल जितने लोग भी, सब पे कार्रवाई करना चाहिए, सकाए वॉशिंग मशीन में धुला करके अपने पास बिठा लिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपको मैं अयोध्या से खबर आई है राम भक्तों के लिए दिखाता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का इनॉग्रेशन किया, उसके बाद अयोध्या में बड़ी संख्या में राम भक्त पहुंच रहे हैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए, और प्रभु श्री राम के दर्शन हो रहे हैं लेकिन रामनवमी पर खास तैयारी की जा रही है। दिखाता हूं आपको, ये आज की तस्वीर है जहां सूर्य से अभिषेक किया जा रहा है प्रभु श्री राम का, और इस तस्वीर को आप देखिए, इसके लिए पूरी तैयारी की गई और प्रभु श्री राम के मस्तक पर ये रोशनी आएगी सूर्य की और यहां से सूर्य अभिषेक होगा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं लेकिन इसके पीछे काफी मेहनत की गई है, कड़ी मेहनत की गई है, क्योंकि प्रभु श्री राम की मूर्ति पर उनके मस्तक पर सूर्य की रोशनी पहुंचनी थी। तो कैसे इसे पहुंचाया गया है आइए जरा आपको दिखा देता हूं, समझा देता हूं, क्योंकि प्रभु श्री राम का ये आप देख रहे हैं जहां आप दर्शन करने जाते हैं, और ये आज की तस्वीर आई है जहां सूर्य अभिषेक हुआ। अयोध्या में इस बार रामनवमी बेहद खास होने वाली है, रामनवमी के दिन रामलला का सूर्य अभिषेक होगा, मतलब सूर्य की किरणें रामलला का अभिषेक करेंगी, गर्भगृह में विराजमान रामलला पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ेंगी, दोपहर ठीक 12 बजे का वक्त होगा और प्रभु श्री राम पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, 4 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी जैसा कि आप देख रहे हैं। कई दिनों से रामलला के सूर्य तिलक की तैयारी की जा रही थी, रुड़की के वैज्ञानिक ने एक अनोखा सिस्टम बनाया है, क्या है समझ लीजिए, राम मंदिर के दूसरे तल पर 3 लेंस लगाए गए हैं और 2 दर्पण लगाए गए हैं, जबकि भूतल पर 2 दर्पण हैं और 1 लेंस लगाया गया है। सूर्य की किरणें पहले और दूसरे तल के दर्पण और लेंस पर पड़ेंगी, फिर वहां से होते हुए ये किरणें भूतल के दर्पण और लेंस पर पड़ेगी और परावर्तित होकर गर्भगृह पर विराजमान प्रभु श्री राम के मस्तक पर पड़ेगी। अयोध्या में जाने माने वैज्ञानिक कई बार इसका परीक्षण भी कर चुके हैं। रामलला के सूर्य अभिषेक का आज एक और ट्रायल हुआ है जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ रही हैं। इससे राम मंदिर और रामलला की छटा और मनोहर हो गई है, और मतलब इसका यही है कि रामलला का सूर्य तिलक परीक्षण सफल रहा है, यानी अब 5 दिन बाद पूरी दुनिया रामलला का सूर्य अभिषेक देखेगी जो दिन के 12 बजे हमें दिखाई देगा। अब मैं आपको दिखाता हूं इसे लेकर ट्रस्टी से जब हमने बात की तो वो इस मसले पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। 17 तारीख को रामनवमी है, उस दिन भगवान का प्राकट्य 12 बजे होने वाला है, उस समय सूर्य रोशनी का किरण भगवान के मस्तक पर आए, इसलिए वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं, आज उसका टेस्टिंग हो गया और एक दृष्टि से आज सूर्य तिलक का एक मॉकअप ट्रायल पूर्ण हुआ है, और आज की परिस्थिति को देखते हुए हमें विश्वास है कि 17 तारीख अप्रैल रामनवमी के शुभ अवसर पर 12 बजे भगवान के मस्तक पर सूर्य तिलक लगेगा। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी और अहम खबर मैं आपको बताने वाला हूं, ये खबर जुड़ी हुई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। क्या केजरीवाल पर अब सीबीआई एक्शन लेगी, क्या केजरीवाल को सीबीआई उठाएगी, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल दूसरी तरफ के कविता पर तो सीबीआई ने एक्शन ले लिया है लेकिन अरविंद केजरीवाल पर अब एक्शन लेना है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये के कविता की है, सीबीआई को कस्टडी मिल गई है और इसी से शराब घोटाले की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, कितने किरदार हैं
ये घोटाला कैसा रहा, कैसे किया गया, ये वो सवाल है जिनके जवाब सीबीआई को तलाशने हैं और सीबीआई इसकी पूरी तैयारी कर रही है। यानी के कविता से सीबीआई पूछताछ करेगी और कई राज उगलवाएगी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, एक तरफ के कविता, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल। के कविता गिरफ्तार हो गई है, लेकिन अब क्या सीबीआई अरविंद केजरीवाल पर भी एक्शन लेगी, क्योंकि शराब घोटाले के तार अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचे हुए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। कविता को तिहाड़ से सीबीआई ने गिरफ्तार किया, अब इसी तरह केजरीवाल को भी सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी केजरीवाल को लेकर बड़ा दावा किया। कविता की रिमांड पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत का दावा कर दिया। अब जल्द ही तिहाड़ में केजरीवाल को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की आशंका जता रही है कि दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। देखा आपने किस तरह से दिल्ली में इस मसले पर सियासत गर्म है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। कैसे, आपको दिखा देता हूं। सीबीआई इसे लेकर पूरी तैयारी कर चुकी है। एक तरफ है के कविता जो गिरफ्तार हो चुकी हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अभी घेरे में। शराब घोटाले में के कविता इस समय सीबीआई की कस्टडी में है। तिहाड़ जेल से कल सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, आज कोर्ट से 3 दिन की सीबीआई कस्टडी मिल गई है। यानी अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी शिकंजा कसा जा सकता है और जल्द ही सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। कविता जो कि केस की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया। सीबीआई ने कविता को मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक बताया, साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर भी सीबीआई ने बड़ा दावा किया। एक बड़े बिजनेसमैन ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, साउथ ग्रुप के अधिकारी ने कारोबार के लिए मदद मांगी और अरविंद केजरीवाल ने उन्हें मदद का पूरा भरोसा दिया। आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। बिल्कुल ठीक सुना आपने, इस रिश्वत का जुगाड़ करने में के कविता का बड़ा रोल है। गोवा चुनाव के लिए हवाला के जरिए पैसा इकट्ठा किया गया और केजरीवाल के खिलाफ हमारे पास सबूत हैं, यह दावा किया जा रहा है। हमने व्हाट्सएप चैट का भी रिट्रीव किया है, उसे भी फाइल किया है और केजरीवाल के साथ सिसोदिया का नाम भी सीबीआई ने लिया है। यानी एक तरफ जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ ईडी सीबीआई लगातार एक्शन ले रही है। लेकिन इस मसले पर के कविता के वकील क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाता हूं। सीबीआई ने अरेस्ट किया था और आज कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया गया और सीबीआई ने 5 दिनों की रिमांड मांगी थी अपने एप्लीकेशन में। कोर्ट 3 दिन के लिए एग्री हुए हैं और मंडे तक के लिए सीबीआई को रिमांड दिया। जी, हम लोगों ने एप्लीकेशन मूव किए थे उसमें कि प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया गया सीबीआई द्वारा अरेस्ट करने जुडिशियल कस्टडी में उनको अरेस्ट करने का वो प्रॉपर और इलीगल था। वो एप्लीकेशन कोर्ट ने कहा हमने डिस्पोज ऑफ किया है, एक बार ऑर्डर आ जाता है तो हम पढ़ेंगे कि कोर्ट किस तरह से उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ किया। तो देखा आपने, सफाई जरूर दी जा रही है, लेकिन एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, दूसरी तरफ ईडी है और सीबीआई है। यानी ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है और सीबीआई का शिकंजा भी कस सकता है। लेकिन अब मैं आपको एक और बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल से कौन से सवाल हैं जो सीबीआई कर सकती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ईडी के बाद अब सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। शराब घोटाले की जांच शुरू की थी सीबीआई ने और सीबीआई के एफआईआर में ईडी ने उसके बाद केस दर्ज किया। सीबीआई ने कुछ दिन पहले कोर्ट में कहा था हम इस मामले में कुछ हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी करने वाले हैं। सीबीआई शराब घोटाले में केजरीवाल से पूछताछ भी कर चुकी है। सीबीआई ने केजरीवाल से 9 घंटे पूछताछ की थी। मामले में गिरफ्तार लोगों ने कई बड़े और अहम खुलासे भी किए हैं और इसे लेकर सीबीआई केजरीवाल से सवाल जवाब कर सकती है। एक गायब फाइल के ठिकाने पर भी सीबीआई सवाल करेगी।
शराब कारोबारी समीर महेंदू से फेस टाइम पर बातचीत को लेकर अरविंद केजरीवाल से सवाल किए जाएंगे। आज सीबीआई ने के कविता की साजिशकर्ताओं में से एक उन्हें बताया है और अब कविता के आमने सामने बैठाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा सकती है। इसके पहले सीबीआई केजरीवाल को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार कर सकती है। इसके बाद केजरीवाल की कस्टडी की मांग की जाएगी और फिर सीबीआई आगे का एक्शन लेगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि लगातार एक तरफ कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जेल में है। इनके एक और साथी हैं, तस्वीर दिखाइए जरा अगली। मनीष सिसोदिया जेल में है लेकिन ये जमानत चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, लेकिन मसले की अगली सुनवाई की तारीख मिल गई है 20 अप्रैल। और इधर तैयारी आम आदमी पार्टी की है, अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं। आज संजय सिंह ने मुलाकात की है अखिलेश यादव से, और अखिलेश यादव और संजय सिंह की मुलाकात के बीच आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर और सरकार पर संकट के बादल गहराने लगे, क्योंकि एलजी एक चिट्ठी लिखते हैं और इस चिट्ठी के बाद आम आदमी पार्टी परेशान हो जाती है। चिट्ठी में क्या है आपको बताऊंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर परेशानी जाहिर कर दी है और आम आदमी पार्टी इसे लेकर हमलावर भी नजर आई है। यानी एक तरफ एलजी की चिट्ठी है, दूसरी तरफ नेता जेल में है और तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी परेशान है। क्या आप तस्वीर देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जेल में। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की आशंका जाहिर कर दी है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आतिशी ने विश्वास अपने सूत्रों को जताया और कहा कि हमारे पास ये जानकारी है, केंद्र सरकार आने वाले दिनों में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। इस बात के संकेत पिछले कुछ दिनों से मिल रहे हैं। कई महीनों से किसी भी आईएएस अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। उपराज्यपाल बार बार गृह मंत्रालय को पत्र लिख रहे हैं, एलजी आरोप लगाए। आतिशी का दावा है कि किसी भी बैठक में अधिकारी पहुंच ही नहीं रहे हैं। आचार संहिता का हवाला देकर वो बैठक में नहीं आ रहे हैं। सीएम के निजी सचिव को भी बर्खास्त कर दिया है। केजरीवाल के पास विधानसभा में बहुमत है, केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची जा रही है, कहना आतिशी का। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी होगा। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक बैठक बुलाई थी एलजी ने, लेकिन इस बैठक में दिल्ली सरकार में मंत्री नहीं पहुंचे थे। उपराज्यपाल कह चुके हैं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। इसके बाद उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी थी और बीजेपी ने आतिशी के बयान पर पलटवार किया है, निशाना साधा है। यानी एक तरफ है आतिशी, दूसरी तरफ बीजेपी इसे लेकर हमलावर है। क्या कुछ कहा जा रहा है वो अब मैं आपको सुनवाता हूं। मुख्यमंत्री के निजी सचिव को हटाए जाना, ये सब इस बात के लक्षण हैं कि दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। आप दिल्ली की जनता का अहित करना बंद करिए, अपने दल में से किसी एक को चुनिए जो मुख्यमंत्री की भूमिका निभा पाए और दिल्ली का अहित करना बंद करिए। उन्हें मालूम है कि आज भी अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए तो अरविंद केजरीवाल फिर से चुनाव जीत जाएंगे, इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता है, जेल से सरकार चलाना प्रशासनिक तरीके में, प्रशासनिक ढांचे में संभव नहीं है। सवाल उठता है कि दिल्ली जिन समस्याओं से गुजर रही है उनका निदान कौन करेगा? तो जब 60 से ज्यादा विधायक इनके पास हैं, क्यों ना किसी एक व्यक्ति को या खुद मुख्यमंत्री बनकर दोबारा से काम शुरू करें, ताकि जितनी भी अनिश्चितता का माहौल है वो खत्म हो जाए। मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई। लत भी लगी है तो चोरी की, लत भी लगी है तो कमीशन खोरी की। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, कर्नाटक में धमाका हुआ है और बंगाल में आरोपी है। सबसे पहले आपको दिखाता हूं, ये रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ था और इस मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। दर्शकों, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर के बाद जांच एजेंसी जांच में जुटी हुई है और सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। क्या खुलासा किया है आपको दिखाऊंगा। ये वो आरोपी हैं
जिनको आज एजेंसीज ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और इनकी गिरफ्तारी हुई है बंगाल से। बड़ी बात यही है कि बंगाल में ये रह रहे थे। ये तस्वीर जो आपको दिखा रहा हूं धमाके के बाद की है, जहां एजेंसी पहुंची हुई थी और यहां पर खोजबीन की गई। ये तस्वीर आप देखिए, काफी मेहनत की और उसके बाद कैसे इस टोपी से पूरी के पूरे धमाके का खुलासा हुआ है। यही वो टोपी थी और इसको अलग अलग तरह से जांचा परखा गया और फिर अब्दुल मतीन अहमद ताहा और एक तरफ मुजाबिर हुसैन शाजिब, यही दोनों हैं जिनको आज कामयाबी हासिल करके गिरफ्त में ले लिया है। और इनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं? आईसिस में ट्रेनिंग ली है, आप सोचिए, और फिर ये भारत में आए और धमाका कर दिया। लेकिन बेंगलुरु ब्लास्ट में जो आज एजेंसी ने कार्रवाई की है वो काबिले तारीफ इसलिए है क्योंकि सीसीटीवी खंगाले, आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले दिखाता हूं ये रिपोर्ट। दिन से जिस धमाके की जांच जारी थी और देश के कोने कोने से जिन दहशतगर्दों की तलाश हो रही थी, अमन और भाईचारे के वो दुश्मन मिले पश्चिम बंगाल में। कर्नाटक में धमाका करने वाले आतंकी बंगाल में नाम और पहचान छिपा कर रह रहे थे। एजेंसियों को भटकाने के लिए अब्दुल समित बन गया था और विदेशी हैंडलर के इशारे पर आईसिस का नेटवर्क बढ़ाने की तैयारी में था। एनआईए ने पुलिस के साथ जाल बिछाया तो बेंगलुरु कैफे के मास्टरमाइंड शिकंजे में आ गए और टूट गया टेरर का बहुत बड़ा और खूंखार नेटवर्क। सवाल तो ये उत्पन्न होता है कि पश्चिम बंगाल हर प्रकार के आतंकी और जिहादी और इस प्रकार के उग्रवादी मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक सेफ हेवन, एक अड्डा क्यों बन चुका है। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे कर्नाटक में धमाका हुआ और पश्चिम बंगाल में आरोपी पकड़े गए। 1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में धमाका हुआ था। धमाके के 42 दिन बाद पश्चिम बंगाल से 2 आरोपी पकड़े गए। एक आरोपी का नाम है मुजाबिर हुसैन शाजिब और दूसरा है अब्दुल मतीन अहमद ताहा ने प्लान बनाया और मुजाबिर ने धमाका किया। धमाका करने के बाद दोनों शातिर आरोपी फरार हो गए। दर्शकों, दोनों खतरनाक अपराधी थे और विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में थे। दोनों पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। पुलिस और जांच एजेंसियां जुटी हुई थी। आरोपियों तक पहुंचना काफी मुश्किल था क्योंकि आरोपियों की कोई भी साफ तस्वीर उनके पास नहीं थी, जैसा मैंने आपको बताया, और एनआईए ने जांच को आगे बढ़ाया। 1000 से ज्यादा, आप देख रहे हैं, इसी तरह के सीसीटीवी फुटेज देखे गए, खंगाले गए और कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश समेत 18 जगह पर छापेमारी की। फिर क्या हुआ? एक टोपी जो आपको दिखाई दे रही है, एक टोपी की वजह से आरोपी पकड़ में आ गए। धमाके के दिन शाजिब टोपी पहनकर कैफे गया था और कैफे में टोपी पहनकर उसने इडली ली और वहां पर आईईडी रख दिया। शाजिब के बाहर आते ही कैफे में धमाका हो गया था। बचने के इरादे से शाजिब ने थोड़ी दूरी पर टोपी को गिरा दिया। टोपी में बाल मिले, आप समझिए जरा, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। उधर जांच में यह भी पता चला कि टोपी चेन्नई के एक मॉल से खरीदी गई थी। टोपी और बाल के सहारे एजेंसीज ने जांच को आगे बढ़ाया। शाजिब के माता पिता तक एजेंसी पहुंची और धमाके के संदिग्ध सीसीटीवी देखने पर उन्होंने शाजिब की पुष्टि की। इसके बाद जांच एजेंसी और पुलिस दोनों ने मिलकर पूरा जाल बिछाया और कोलकाता के पास से धमाके के मास्टरमाइंड को धर दबोचा। एक बीजेपी कार्यकर्ता साईं प्रसाद को भी हिरासत में लिया गया। एनआईए ने कहा है कि साईं भी धमाके में आरोपियों से जुड़ा हुआ था। मुख्य आरोपियों के बंगाल से गिरफ्तार होने से सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बंगाल में आतंकी महफूज है, इसलिए बेंगलुरु धमाके के आरोपी बंगाल में जाकर छिपे हुए थे। अब आपको बताता हूं टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी का कह रही है, सुनिए जरा। खड़ंगबाज बोले छे बेंगलुरु एक बोमा पड़े छिलो लोकलो कर्नाटक नये
2 ঘন্টায় বাংলায় লুকিয়েছিল, 2 ঘন্টার মধ্যে আমরা ধরে দিয়েছি আমাদের পুলিশ। আর সেখানে বলছে বাংলা সেফ নয়, তোর দিল্লি সেফ, তোর উত্তরপ্রদেশ সেফ, তোর রাজস্থান সেফ, তোর গুজরাট সেফ, তোর বিহার সেফ। ভাই ওর বেনো, হমারে সোনার বাংলা কো মমতা দিদি নে বম ধমাকো সে গুঞ্জতা কর দিয়া হ্যায়। জহাঁ তক ঘুসপেট চালু হ্যায় বঙ্গাল সশক্ত হো সকতা হ্যায় ক্যা? ক্যা মমতা দিদি ঘুসপেট বন্ধ করেগি? ক্যা করেগি? ক্যা वो घुसपैठ बंद नहीं करेगी, क्योंकि वो घुसपैठिए ही तो उनकी वोट बैंक है। अब आपको दिखाता हूं, यही वो है वांटेड आरोपी जिनको गिरफ्तार करने के लिए एजेंसीज ने लगातार कार्रवाई की और उसके बाद सफलता मिली। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, आज सफलता मिल गई है, लेकिन इनके तार जुड़े हुए हैं दर्शकों आईसिस से, और आईसिस से इनके तार कैसे जुड़े हैं, कौन है ये दिखाता हूं आप। अब्दुल तहा मुसाविर, ये शाजिब, और दोनों ने मिलकर धमाके को अंजाम दिया, यानी यही दोनों मास्टरमाइंड हैं। कर्नाटक के शिमोगा के रहने वाले हैं और लंबे वक्त से देश में दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे। अब्दुल तहा धमाके की पूरी योजना बनाता था, किसी को शक ना हो इसलिए हिंदू बनकर रहता था। तहा ने हिंदू नाम विघ्नेश डी और सुमित रख लिया था। सोचिए आप, धमाके को अंजाम देने का काम मुजाविर शाजिब का था। पहचान छिपाने के लिए शाजिब ने फर्जी दस्तावेज बनाए। पहचान पत्र में शाजिब का नाम मोहम्मद जुनेद था, जो हमने आपको दिखाया, और एनआईए ने पड़ताल की तो पता चला कि दोनों हिस्ट्री शीटर हैं। 2019 में तमिलनाडु में एक हिंदू नेता की हत्या में शामिल रहे, 2020 में तमिलनाडु के इंस्पेक्टर की हत्या की, और इसमें नाम आया अब्दुल तहा तो इस मर्डर केस में वांटेड भी था, और दोनों आरोपी 4 साल से फरार चल रहे थे। बताया तो यह भी जा रहा है कि दोनों आईसिस से भी जुड़े हुए थे और विदेश में उन्हें साजिश के विदेश से निर्देश यहां तक पहुंच रहे थे। सोचिए आप जरा, दोनों दक्षिण भारत में आईसिस नेटवर्क को बढ़ाने में लगे हुए थे। कर्नाटक के साथ तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सक्रिय थे, और अब बंगाल में भी नेटवर्क बढ़ाने के फिराक में थे। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने शिकंजा कसा और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब मैं आपको सुनवाता हूं पुलिस और एनआईए क्या कह रही है इस मसले पर। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आया, बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर हम लोग काम किए और एक जॉइंट ऑपरेशन में स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का एक जॉइंट ऑपरेशन में इंफॉर्मेशन मिलने के 2 घंटे के अंदर अंदर हम लोग जो बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट है उसके 2 जो सस्पेक्ट थे उनको डिटेन कर पाए। जो जॉइंट ऑपरेशन हुआ उसमें हम विद सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज स्टेट पुलिस हम लोगों को ये सक्सेस मिला और बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के 2 सस्पेक्ट को हम डिटेन कर पाए। आज वो 2 एक्यूज पर्सन को प्रोड्यूस किया है ऑन ए ट्रांजिट रिमांड, वी आर प्रेड फॉर 3 डेज ट्रांजिट रिमांड एंड अकॉर्डिंगली देयर आर ह्यूज सीजर लिस्ट, ए बिग सीजर लिस्ट एंड कंसिस्टिंग ऑफ वेरी लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, सिम कार्ड्स अलोंग विद अदर आर्टिकल्स, डिजिटल डिवाइसेस व्हिच इज, अभी ये तो बोल नहीं जाता बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एवरीथिंग कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड हियर। खबरों में आगे बढ़ेंगे, और मैंने शुरुआत में कहा था कि भारत ने सबक सिखा दिया है मालदीव्स को, घुटनों पर मोइज आ गए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले तस्वीर दिखाइए, मालदीव की तरफ से भारत को लेकर उनके मंत्री कई तरह की बयानबाजी कर रहे थे, प्रधानमंत्री को लेकर भी बहुत कुछ कहा, लेकिन इसकी वजह थी ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे लक्षद्वीप और इसके बाद यह विवाद बढ़ता गया, लेकिन अब मालदीव्स घुटनों पर आ गया है और अपनी गलती का एहसास उसे हो गया है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। मोदी के सामने घुटनों पर आ गए मोइज्जू, सिर्फ 3 महीने में गिड़गिड़ाने लगा मालदीव, भारतीय पर्यटक भेजने के लिए मोदी से गुहार। जनवरी में मालदीव के मंत्री और वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू भारत को जो गर्मी दिखा रहे थे वो अप्रैल आते आते एकदम हवा हो गई है। मोदी के अपमान पर भारतीय पर्यटकों ने मालदीव को जो 12,000 वॉट का झटका दिया है उससे पूरे मालदीव और मोइज्जू की हवा पतली हो गई है। मोइज्जू समेत पूरा मालदीव अब मोदी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया है और गुहार लगा रहा है कि मोदी जी अपने देश के पर्यटकों को मालदीव भेज दीजिए।
भारत से बिगड़े रिश्ते सुधारने के लिए अब मालदीव कुछ भी करने को तैयार है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हो क्या रहा है मालदीव के साथ। 2 लाख पर्यटक भारत से जाते थे 2023 का यह आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, जहां पर भारत टॉप पर था। लेकिन अब क्या हुआ, अब आंकड़े बदल गए। 34% की कमी आई है 2024 में। कैसे कमी आई है ये समझ लीजिएगा। चीन से 71,000 पर्यटक पहुंचे, ब्रिटेन से पहुंचे 66,000, इटली से पहुंचे 61,000 पर्यटक और भारत से 37,000। गिरावट आप देखिए 2023 से 2024 तक यह गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन भारत से पंगा लेना कैसे मालदीव को महंगा पड़ा है, आइए जरा आपको बताता हूं। मालदीव की कुल जीडीपी में 2/3 योगदान पर्यटन का होता है। 5.24 लाख यानी 5,24,000 की आबादी में 44,000 लोगों की रोजी रोटी पर्यटन से ही चलती है और पर्यटन पर ही मालदीव्स की 70% अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, जिसमें 1/3 भागीदारी भारतीय सैलानियों की है। 2023 में मालदीव में भारतीयों के पर्यटन से 3,000 करोड़ कमाए थे मालदीव ने और दुनिया भर के देशों में ये सबसे ज्यादा 2 लाख पर्यटक भारत से ही पहुंचे थे। लेकिन जनवरी में मालदीव्स के मंत्रियों ने मोदी पर विवादित टिप्पणी कर दी। प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे तो भारतीयों ने मालदीव्स का बॉयकॉट कर दिया। मालदीव के साथ विवादों के बाद मोदी के लक्षद्वीप दौरे से ही ये सब कुछ शुरू हुआ था। 2 जनवरी को पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था। उन्होंने समुद्र किनारे टहलते हुए कुछ समय बिताया और तस्वीर शेयर की जो मैंने आपको दिखाई। मोदी ने प्रचार करते हुए लिखा लक्षद्वीप घूमने जाना चाहिए, लेकिन इस पोस्ट पर मालदीव्स के मंत्रियों ने मोदी का अपमान कर दिया। मालदीव के मंत्री और नेताओं ने मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मोदी का अपमान करने पर मालदीव के खिलाफ विरोध शुरू हुआ। भारतीयों ने पहले से जो बुकिंग कराई हुई थी उन्हें कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। विरोध का असर यह हुआ कि विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्री निलंबित तक हो गए। हालांकि इसके बाद भी मालदीव ने चीन का समर्थन करते हुए थोड़ी एकड़ी दिखाई थी। मोइज्जू ने अपने चुनावी अभियान में इंडिया आउट का नारा भी दिया। इसके बाद मालदीव के साथ ही भारत का रिश्ता और ज्यादा बिगड़ गया। मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से कमी आई है और तनाव के बाद 2024 में अब भारतीय पर्यटकों की संख्या 6वें पायदान पर है। पहले से 6, अभी तक सिर्फ 37,000 पर्यटकों ने मालदीव का टूर किया है। यही वजह है कि अब भारत के विरोध के आगे मालदीव घुटनों पर आ गया है और 8 अप्रैल को मालदीव ने भारतीय उच्चायुक्त से अब समर्थन की अपील कर दी। क्या टूरिज्म एजेंट भारत में आएंगे और अलग अलग शहरों में रोड शो करने वाले? मालदीव ने भारतीय पर्यटन एजेंसियों से भी कहा है थोड़ा सा समर्थन कर दीजिए, काफी दिक्कत आ गई है। और सोचिए जब ये हालत हो गई है तो हमने एक्सपर्ट से भी बात की, अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार रविंदर सचदेवा क्या कह रहे हैं वो जरा आप सुनिए। देखिए, मालदीव्स अब असलियत का सामना कर रहा है और अपने घुटनों पे आ गया है और आ रहा है। उनके प्रेसिडेंट मोइज़ू ने भारत के साथ जिस तरह का व्यवहार किया वो इलेक्शन ओरिएंटेड था, पॉलिटिकल था, परंतु अब जब असलियत उसके सामने आ रही है, जब इलेक्शन जीत गया है, तो अपना राग बदल रहा है। एक तो मालदीव्स की सरकार ने भारत की सरकार को कहा कि जो कर्ज है, करीब $400 मिलियन का कर्ज है मालदीव के ऊपर भारत का, कि उस कर्ज को जरा आप डिले करो, उसमें हमें कुछ रिलीफ दो, अब यह मांग रहा है मालदीव्स। उसके अलावा मालदीव्स में अभी एसेंशियल कमोडिटीज ही कमी है, जैसे दाल, चावल, एग्स, शुगर इत्यादि। अब भारत में इन एसेंशियल कमोडिटीज पे कई बार बैन होता है क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते अपने देश के हिसाब से, परंतु भारत ने स्पेशल एग्जेम्पशन दे दी है इन एसेंशियल कमोडिटीज को एक्सपोर्ट के लिए मालदीव्स को, और उसके लिए मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत को बहुत बड़ा थैंक यू कहा है। तो ये बात हुई मालदीव की, अब बात करेंगे चीन की, जहां भारत से चीन कांप उठा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, दिखाइए जरा तस्वीर। भारत ने युद्धाभ्यास किया है और ये जो तस्वीर है चीन के लिए बड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है और चीन इसलिए थोड़ा सा परेशानी में आ गया है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। सत्रह
फुट की ऊंचाई पर भारतीय सेना की गर्जना ये बताने के लिए काफी है कि अगर चीन ने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा जिसे वो भूल नहीं पाएगा। चीन की सीमा के बिल्कुल करीब भारत की सेना ने युद्ध अभ्यास कर अपने इरादे जता दिए हैं। मोदी ने साफ कर दिया है कि अगर दुश्मन बातचीत की भाषा नहीं समझता है तो हम उसे गोली की भाषा से समझाने की ताकत रखते हैं। तो देख लिया आप, चीन के साथ चल रहे सीमा तनाव के बीच भारत ने चीन सीमा के पास युद्ध अभ्यास कर ड्रैगन को अपनी ताकत दिखा दी। भारतीय सेना ने सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ट्रेनिंग की और एक्सरसाइज की। सिक्किम की सीमा से चीन से बिल्कुल लगी हुई सीमा है दर्शकों। इस युद्ध अभ्यास के जरिए थल सेना की त्रिशक्ति कॉर्प्स ने अपनी ताकत को दुनिया को दिखा दिया है और भारतीय सेना की तरफ से युद्ध अभ्यास का वीडियो भी जारी किया गया जिसमें सेना की एंटी टैंक मिसाइल हथियार चीन की ओर मुंह करके गोले उगल रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जवानों को एक साथ तालमेल बैठाते हुए दुश्मन के ठिकाने तक पहुंचने और फिर उन्हें निशाना लगाकर खत्म करने की प्रैक्टिस करते हुए देखा जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने भी इस युद्ध अभ्यास को लेकर बयान जारी किया जिसमें कहा कि युद्ध अभ्यास में पूरा ईस्टर्न कमांड की मैकेनाइज और इन्फेंट्री यूनिट की मिसाइल फायरिंग टुकड़ियों ने हिस्सा लिया है। युद्ध अभ्यास में लगातार ट्रेनिंग की गई है और इस दौरान स्थिर टारगेट पर और हिल रहे टारगेट पर जो थोड़ा सा मूवमेंट होता है वहां अलग अलग हथियारों से फायरिंग की गई है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टुकड़ियों ने घातक ताकत के साथ बख्तर बंद टारगेट को खत्म करके अपनी ताकत को दिखाया है और इस पर हमने रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल वी के दत्ता से बात की है। वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। आज की इंडियन आर्मी 1962 की इंडियन आर्मी नहीं है। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि हमको मौका मिले। तो हमारा जो प्रधानमंत्री साहब का इसके अंदर टेक है वो हमेशा बोलते हैं चीन हमारा पड़ोसी है। हम आज तक बातचीत से और बातचीत के जरिए हर एक मसले को सुलझा रहे थे और इसी के कारण पिछले 40 साल में कभी वहाँ गोली नहीं चली। लेकिन अगर जंग का माहौल बन गया और जंग हो गई तो इंडियन आर्मी बिल्कुल तैयार है और मुंह तोड़ जवाब देगी। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, ये हमारे जो तीनों आर्म्स हैं और हमारे जो स्पेस सेट्स हैं, हमारे जितने स्ट्रेटजिक सेट्स हैं, ये सब तैयार हैं जंग के लिए। फिलहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।